20 साल के बागी जीवन में दस्यु सरदार निर्भय सिंह गुर्जर ने चार माशूकाएं बनाई, जिसमें से तीन से उसने जबरदस्ती शादी की और एक का कत्ल भी कर दिया। निर्भय अपने पूरे जीवन में सुरा और सुंदरियों के लिए हमेशा चर्चा में रहा। सुरा और सुंदरी उसकी कमजोरी थी, जिसके लिए वो खून तक बहाने से नहीं हिचकता। शराब की मदहोशी में उसने कई लोगों का कत्ल किया और लड़कियों को डरा धमका कर जबरदस्ती की। यहां तक कि उसने अपने दत्तक पुत्र की पत्नी सरला को भी नहीं छोड़ा। निर्भय आशिक मिजाज होने के साथ साथ बीहड़ में सुंदरियों के साथ समय बिताना पसंद करता था। 80 के दशक में लाला राम गैंग का सदस्य बनने के बाद उसकी नजर लाला राम की पत्नी सीमा परिहार पर पड़ी। लाला राम ने सीमा परिहार का 13 साल की कच्ची उम्र में अपहरण करवा लिया था। सीमा परिहार बेहद खूबसूरत थी और निर्भय को पसंद करने लगी थी। लाला राम को जब यह पता चला तो उसने सीमा की शादी निर्भय से करवा दी। लेकिन कुछ समय बाद सीमा फिर लाला राम के साथ रहने लगी, जिसका निर्भय को बेहद अफसोस हुआ। लाला राम के मारे जाने के बाद सीमा परिहार निर्भय से अलग हो गई। बदकिस्मती से 7 महीने बाद ही दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। ऐसा था कि हमारा किडनैप कराया था हमारे गांव वालों ने, वो ही ठाकुर है, सेंगर ठाकुर थे, उन्होंने हमारा किडनैप कराया था लाला राम गुरु के द्वारा। उस समय पे हमारी उम्र थी 13 साल थी। मैं अपनी मर्जी से जंगल में नहीं गए। सीमा के जाने के बाद निर्भय बहुत उदास हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके जीवन में एक और सुंदरी आई, जिसका नाम मुन्नी उर्फ बसंती था। मार्च 1994 में निर्भय ने मुन्नी के साथ अपनी दूसरी शादी रचाई, लेकिन भाग्य को भी ये मंजूर नहीं था। कुछ साल बाद निर्भय का दामन छोड़ बसंती डकैत मुन्नी पांडे के साथ भाग गई। निर्भय अपनी माशूका की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सका और अक्टूबर 1999 में उसने बसंती और मुन्नी पांडे की हत्या करवा दी। निर्भय इतने से भी शांत नहीं हुआ। बसंती को पनाह देने के शक में उसने सरला के चाचा लालू जाटव का भी खून करवा दिया। उसने सरला के पिता शंभू को धमकाया और सरला को अगवा कर ले आया। निर्भय गुर्जर ने मेरे नाम वो मार दिए थे चाचा जी, तब मैं जंगल में गई थी, वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे निर्भय गुर्जर। निर्भय ने कम उम्र की मासूम सरला को चंबल के घने जंगलों में घसीट लिया। कम उम्र की वजह से निर्भय ने सरला की शादी अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव से करवा दी। निर्भय ने श्याम का अपहरण दिल्ली से करवाया था और बाद में वो उसे अपना बेटा मानने लगा था। लेकिन सरला की चंचलता और सुंदरता की वजह से निर्भय उसके प्रति हमेशा आकर्षित रहता था। कुछ समय बाद निर्भय के जीवन में फिर बहार आई, जब जनवरी 2002 में कानपुर देहात के सिकंदर इलाके की पार्वती को अगवा कर उसकी गैंग में लाया गया। निर्भय की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन ये सुख भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। निर्भय की खुशी सिर्फ 3 महीने ही रही, क्योंकि पार्वती पुलिस के चंगुल में फंस गई थी। नहीं, कुछ नहीं, बैठे रहते, काम कुछ नहीं करने का, न पकड़न से न कोई से ना हम लोग पकड़ कर हम गए। 3 महीने में क्या, 1-2 महीने में तो डर ही निकला, तो जानते भी नहीं हम किसी का पहचान है, हम ज्यादा दिन नहीं रहे। फरवरी 2002 में निर्भय ने एक और लड़की नीलम गुप्ता का सौदा किया और उसे अगवा कर अपनी गैंग में शामिल कर लिया। जनवरी 2004 में नीलम को अपनी जीवन संगनी बना लिया। अब निर्भय का एक भरा पूरा परिवार हो गया था, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। जैसे जैसे सरला बड़ी होने लगी, डकैत मुखिया का मोह भी उसके प्रति बढ़ता गया। सरला के साथ संबंध छिपाने के लिए ही निर्भय ने उसकी शादी अपने दत्तक पुत्र श्याम से करवाई थी। श्याम को निर्भय ने एक निशानेबाज के रूप में प्रशिक्षित किया और गिरोह का एक प्रमुख सदस्य बनाया। 2003 में शादी के तुरंत बाद श्याम को जब सरला और निर्भय के संबंधों का पता चला तो वो बेहद नाराज हुआ। सरला से उसकी मारपीट भी हो गई। सरला उस समय बीहड़ की सबसे खूबसूरत महिला थी। नीलम उससे पागलों की तरह ईर्ष्या करती थी और उसके निर्भय से रिश्ते के कारण नफरत करने लगी थी। जल्द ही नीलम ने श्याम को अपने साथ भागने के लिए मना लिया। जुलाई 2004 में नीलम और श्याम जाटव गिरोह से फरार हो गए और इटावा की एक अदालत में दोनों ने सरेंडर कर दिया।
मेरे गांव की एक औरत है वो धोखे से लिवा ले गई। मैं क्या जानती मैं बेड़ में पहुंच जाऊंगी। जब उनके चुंगल में पता चली कि ये निर्भय हैं तो वहां से निकलना तो बहुत मुश्किल है। और जब मुश्किल को आसान कर बचाओ तो आए के कोर्ट में हाजिर भाई तब दनसिया बैठी और क्या चाहिए। निर्भय भी कमजोर हो चुका था। सरला जैसी सुंदर महिला को साथ लेकर बीहड़ में भटकना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने सरला को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। लेकिन सरला ने कुछ और सोच रखा था। उसे निर्भय ने गिरोह के एक नए सदस्य के साथ जीवन शुरू करने के लिए कहा, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो मुंबई भाग गई थी। सरला के गायब होने के बाद निर्भय ने इस बात को हवा दी कि सरला की मौत जंगल में सांप के काटने से हो गई है। उसने शायद सोचा कि सरला के मुंबई भाग जाने की खबर का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सरला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इस तरह चारों सुंदरियां निर्भय से दूर चली गई और नवंबर 2005 में निर्भय भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अपनी बियाबान जिंदगी को आबाद करने के लिए डाकू निर्भय सिंह ने सुंदरियों को खूब चारा फेंका, लेकिन आतंक के बलबूते जोर जबरदस्ती करने वाले वहशी का उसकी किस्मत ने ही साथ नहीं दिया।